सवार दू, एक नहीं बाहर दू, दुनिया ही बदल दू, मैं तो प्यारा चमत्कार हूँ, आसमां को छू लू, तितली बन उड़ू, हा 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 इडली कोफ्ता मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरे मोन, मानो या न मानो मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरे मोन। यार बचपन का वो हमारा सबसे फेवरेट कार्टून डोरेमोन। बचपन में जब भी मैं उसे देखता था ना, बाकी चीज़ें मुझे रियल लगे ना लगे, उसकी एक चीज़ मुझे रियल लगती थी। ऐसा लगता था कि यार ऐसा तो सच में हो सकता है, और वो था उसका बैम्बू कॉप्टर। जी हाँ, हेलमेट के ऊपर एक पंखा लगा रहता था, और जैसे ही पंखे को ऑन करते थे वो उस डोरेमोन को उड़ा के ले जाता था। तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी डोरेमोन का वो बैम्बू कॉप्टर रियल लाइफ के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं कि हमारा ये सपना सच होता है या नहीं। डोरेमोन। तो गाइस यार डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर बनाने के लिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपल से जुगाड़ करेंगे और देखते हैं कि फिर हमारे जो जुगाड़ हैं वो काम करते हैं या फिर नहीं। तो गाइस यार इसके लिए हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन वाला हेलमेट है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर हम पंखे की जगह ये पावरफुल ड्रोन की मोटर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी नॉर्मल सा हेलमेट है, लेकिन इसके ऊपर ये कुछ उभरी हुई चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस उभरी हुई चीज़ को हटा देते हैं ताकि यहाँ पर हम ड्रोन की मोटर फिक्स कर सके। पकड़ो इसे, पकड़ो, यहाँ से इसे काटना शुरू करते हैं और इसे यहाँ से उड़ा देते हैं। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो हवा है वो सीधे ही हेलमेट से टकराएगी और उसका जो थ्रस्ट होगा वो हेलमेट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है, बिना ट्राई करे पता भी नहीं चलेगा। और इसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल ड्रोन की मोटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक से दो या तीन या चार का इस्तेमाल किया जाए फिर तो हम इसे उठा सकते हैं, लेकिन फिर वो बैम्बू कॉप्टर नहीं रहेगा। इसीलिए इसके अंदर हम सिर्फ एक ड्रोन की मोटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ड्रोन की मोटर, और इनके लिए जो मोटर्स आती है, आई मीन बैटरीज आती है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, इसीलिए हमने घर पर ही पावरफुल सेल्स की मदद से ये जो बैटरी है ये बना रखी है, जिसका इस्तेमाल हम इस बैम्बू कॉप्टर को बनाने के लिए करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर ये ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, साथ ही साथ रिसीवर, क्योंकि इसको रिमोट से ऑपरेट करेंगे, पास रहना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो ब्लेड्स होती है जिसका कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे ये सच में काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, और अगर इसकी किसी के लग गई तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस यार नए नए प्रोजेक्ट्स ट्राई करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर ऐसी चीज़ें जो कि कभी पॉसिबल ही ना हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो बनती ही ना हो। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या फिर हमारी ये चीज़ वर्क करे, तब यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 6 लाख लाइक्स हमारे बचपन की यादों के लिए, और मुझे बताएं कि आप लोग इस टारगेट को पूरा ज़रूर करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार। हाँ मुझे पता है कि काफ़ी लोग कर चुके हैं, लेकिन जिन भी लोगों ने नहीं किया है कर दो यार, किस बात की कंजूसी, आपका भाई तू डोरे मोन। ठीक है, तो इस पंखुड़ी को लगाने के लिए इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स आते हैं जो कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब एक काम करते हैं, सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, और उसके बाद में इसका टेस्ट लेते हैं। गाइज यार यहाँ पर हमने सारे कनेक्शंस पूरे कर दिए हैं, और जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि एक ड्रोन की जो मोटर होती है वो आधा केजी से ज़्यादा का वज़न उठा लेती है, तो हमने उसी हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल में ली, उसी हिसाब से बैटरी, उसी हिसाब से ये हेलमेट। तो अब देखते हैं कि इन तीनों का वज़न कितना होता है, आई मीन ये पूरे क्या बोलते हैं उसको, उसके कॉप्टर का वज़न कितना होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है 460 ग्राम। अब इसके ऊपर ये लगा देते हैं इसका प्रोपेलर,
और गाइस मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये काम करेगा या फिर नहीं, क्योंकि यार सब आनन फानन में अनशन बनाया गया है। बस उड़ जाना चाहिए हमारे डोरेमोन का कॉप्टर, उड़ गया तो यकीनन मज़ा आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब हमारा जो प्रोपेलर है वो भी तैयार है और आप देख सकते हैं कि ये बन गया हमारा डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर। लेकिन गाइस इतना तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये किसी इंसान को तो नहीं उड़ा सकता है, लेकिन अगर ये हेलमेट ही उड़ गया ना तब जाके यकीनन मज़ा आएगा, तब जाके कमाल धमाल होगा। तो इसे पूरे खुले ग्राउंड के अंदर उड़ाते हैं, क्योंकि ये किधर भी जा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है या फिर उड़ेगा या फिर नहीं उड़ेगा, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो सेफ्टी के लिए खुले में चलते हैं और खुले में इसे उड़ा के देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो इसे यहाँ से लॉन्च करते हैं ये रही इसकी लॉन्चिंग साइट। लेकिन गाइस उससे पहले एक सेफ्टी टेस्ट ले लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क कर रही है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे रिमोट को कर देता हूँ ऑन और ये हो गया हमारा रिमोट ऑन। अब थोड़ा सा इसको थ्रस्ट देते हैं, वो ऑलराइट गाइस, तो चीज़ें तो सारी काम कर रही है। अब फुल थ्रस्ट देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज यार फर्स्ट ट्राई के अंदर तो हमारा जो बैम्बू कॉप्टर था वो सही में उड़ा, उसने काफ़ी हद तक फ्लाइट भी ले, लेकिन उसके बाद में यहाँ से जो मोटर है उसका थ्रस्ट ज़्यादा था, इस वजह से निकल गई। टेक टू दूसरी बार ट्राई करते हैं, दूसरी बार बैम्बू कॉप्टर को बैम्बू कॉप्टर उड़ा रहे हैं। ठीक है, एकदम दीजिए गाइस। तो यार हमारे जो डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर है उसने फ्लाइट ली, यकीनन काफी देर तक उड़ा और हवा में था ना काफी देर तक लेकिन दिक्कत ये है कि जब अपन इस तरीके से मोटर लगाते हैं ना तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज होता है, मोटर ऐसे घूमती है ना तो हेलमेट जो है फ्रीली इस तरीके से घूमता है। उसके बावजूद भी सिंपल से जुगाड़ की मदद से भी हमारे बैम्बू कॉप्टर ने फ्लाइट ली और लास्ट में आते आते ये टूट गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि ज़्यादा कुछ किए भी नहीं, सिर्फ जुगाड़ से भी हमारा जो बैम्बू कॉप्टर है वो हवा में उड़ गया। यकीनन काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको भी आती वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं हूँ एक प्यारा रोबो डोरेमोन, मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आसमां को छू लूं, जय हिंद जय भारत। बहुत यार मस्त उड़ा आ रहा है ना।